अपनी अगेत के जे चाहे काय को लगे चक्कर में बताए गए रहना है। ये दुनिया इतनी बचत्र है प्यारे, अपन के जे घर के हम बिना मुंह को मार जाए मर जाते हो हैं काय को। अच्छी भादों की होए रात और 70-80 साल को होए बब्बा और शाम को 7-8 बजे मर जाए फिर देखो का कबड्डी बनाता है। 7-8 बजे मर जाए अगर डिंडू में बब्बा भादों की लंबी हुई रात तो लड़का बंगे वो श्री से रू कटकेला बजे बोले फिर हम भी अरे हाँ लड़का बंगे अपन कहते जे हम बिना खेहे ने भूख को मर जे काय को लगे। बब्बा मरो भादों में 7 बजे तत्काल फोन लगाओ फुगा को, फुगा दादा नहीं रहे। फुगा ने तत्काल करैया चलाई 2-4 गड़ा पूरी छन्न छन्न करी धानी पानी में 9 बजे फुगा ठाणी। अपन कहते के हम मर जाए घर के खेहे ने बब्बा उतनिया धरो बिल्कुल भादों की रात। हाँ बब्बा मर गाओ 6-7 बजे सो धरे रात भर। अब फुगा खो लगो फोन सो फुगा आ गई 4 गड़ा पूरी लेके दो ही बंग में देखो रुआ रही माई ऐसी होते कबड्डी हल्की कह रही बड़ी से जी जी दो ठगुआ खा ली बड़ी कह लगी रही हम पे कौन खो बही कहिया हाँ जी जी खा ले अब याद नहीं जो रहे तुम खा ले पियो दवाई खाने आओ खा ले ना तबियत बेकार जे मरी के लगी हम पे कौन खोवे अरी कहिया हाँ जी जी खा ले आओ सो जी जी ने दवाई सो घूंगा अन्य अच्छी मूड करके रगड़ी माई बाबा है धारो फुगा ले आई थी 4 गाड़ा छोन छोन कर के फुगा ले आई बेधानी थी आज जी जी ने रगड़ी रगाड़ के घूंगा डार की के लगी अरी धस नहीं राई धसा तो नहीं आ रही आ घेटे घेटे के 4 पे 18 पूरी रगाड़ दाई फुगा ले आई थी 20 में कोरकान डाली आ इतनी रगड़ी फुगा 4 पे रगड़ी सुगा 4 है से फसल का मरे में अंदर एक आए कोर कांडारी आ के नहीं ये रीधा सुनाई भाई जा है दुनिया ये है दुनिया की असलियत। अपन कहत के जा दुनिया हम बिना खेहे ने काय को लगे चक्कर में। ये दुनिया बूंदी भर भी उड़ा होते इसलिए हमारा कहने का भाव क्या हम जा नहीं कह रहे कि बाबा जी हो जाओ केवल निवेदन इतना बिल्कुल चक्कर मैंने परियो के जा दुनिया हम बिना चल है ने हमारे बगैर रहेगी नहीं। दुनिया में आए हो आनंद से रहो लेकिन थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन करना थोड़ा थोड़ा भजन करो समय समय पर दुनिया बताऊ भी है बताऊ क्या नहीं बताऊ बताई जब अच्छा यहाँ बोले नहीं खुबा कल एक बात हमने कही थी खबर आ गई राम धनी तो जब अपन लड़का के ब्याह करवे जाते बाप तो ते मड़वा में बैठा थे जब माताएं का गाऊ लगा माताएं गीत गाऊ का के लगा कई हमाओ मन करे दूल्हा के दद्दा को एक बेर पटकूं दो बेर पटकूं और 3 बेर पटकूं और मन करे के 3.5 बेर पटकूं तो हमें पहले समझ में नहीं आती ये केत काय है अकेले लगत के दूल्हा के दद्दा को सारे काय केत वे बेसे केत के रे जन्म बहुते ने भजन नहीं करो ब्याह करावे के बाद भजन नहीं करो लड़का बारे हो गए तो ही भजन नहीं करो अब लड़का ही ब्याह वे आ गए मड़वा में बैठे तो ही भजन कर ले अब आई लो बसेता मार बे बैठे मड़वा तारे अब आई भजन कर सोआ बे के लगा के दूल्हा के दद्दा को एक बेर पटकूं माने भजन कर कहां पटकूं एक बेर माने जहां एक सीधे ठाड़े को ठाड़े राम जी सूधे ठाड़े एक बेर पटकूं माने राम के चरणों में पटकूं फिर के दो बेर पटकूं सीधे को ठाड़े लखनलाल उनके चरणों में पटकूं फिर 3 बेर पटकूं माने कहां जानकी जी के चरणों में पटकूं अब फिर के लगत के 3.5 बेर पटकूं तो 3.5 बेर को 3 जने तो ठाड़े हैं पूरे पूरे राम लक्ष्मण और जानकी और 3.5 माने कौन हनुमान जी ने तो पूरे ठाड़े आए और ने हनुमान जी बैठे आए बे आधे ठाड़े में और आधे बैठे में सोवे माताएं के लगत के 3.5 बेर पटकूं माने हनुमान जी के सुरार हो एक दो गदा घल है जब मान होगा माने बे जाय कहत के राम दरबार में पटकूं अब आई भजन कर ले रे अब तो लड़का को ब्याह होगा अब आई सुधर जा माने ये दुनिया हमें बताती है इसलिए दुनिया में आए हो हम मना नहीं कर रहे दुनिया में आनंद से रहो लेकिन जिसके पास जाना है उसका थोड़ा थोड़ा भजन करना
नहीं जोन दनाए अपनी नींद सी खुलने हैं उतना कच्चू हाथ में नहीं रह जाने ना जाजात ना गाड़ी ना घोड़ा ना रुपया के भजन और अच्छे कर्म साथ में जाएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करो भगवान का थोड़ा थोड़ा भजन करो लक्ष्मी बढ़ जाए नाम बढ़ जाए पैसा बढ़ जाए। भगवान से निवेदन करना प्रभु कमल बारी लक्ष्मी दियो उल्लू बारी न दियो पैसा बढ़े नाम बढ़े तो हमें विनम्रता बढ़े आपकी भक्ति बढ़े। सुदामा जी सोन ने बोल दिया था कन्हैया ने कृपा करी सुखदेव जी कहते हैं राजन आज कन्हैया समय समय पर अपने बच्चों को शिक्षा देते कन्हैया समय समय पर शिक्षा देते। एक दिन अपने बच्चों को बिठाया बिठाल करके कहने लगे बेटा सुनो चार चीजों में से अगर एक चीज होवे तो बच्चे बिगड़ जाते कौन कौन सी रूप यौवनम धन संपत्ति प्रभु उत्तमम विवेकितः। बेटा अगर चार में से एक आध चीज हो तो लड़का भाई बिगड़ जाता कौन सी चीज अगर जवान हो जाए बच्चे युवा माने 15 से 35 के बीच में हो में तो माँ बाप को नजर रखनी चाहिए बच्चों को खुद का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यही उम्र है बन गए बिगड़ गए तो बिगड़ गए। रूपवान जो बच्चे देखने में सुंदर होए उनको भी सतर्क होकर के चलने की दिक्कत सतर्क होकर के चलना चाहिए क्योंकि रूप अगर हो तो बिगड़ने के जाना चांस योग अवस्थाएं आ जाए तो बिगड़ने के चांस। रूप यौवनम धन संपत्ति जिन बच्चों के हाथ में पैसा ज्यादा रेवे उनके भी बिगड़ने के जाना चांस। रूप यौवनम धन संपत्ति विशाल क्रोध संभव अगर बड़े घर के बाल बच्चे हुए तो दिक्कत माँ बाप को नजर रखनी चाहिए काय गांव में गरीब को बाल बच्चों हो जाए चाहे कान पे खेत दे गलती करे तो अब बड़े को बाल बच्चों करे कौन में हिम्मत भैया को लड़का कितना गलत करे को बोले ही नहीं सके तो माँ बाप को नजर रखनी चाहिए। बेटा तुम्हारे ना चार ही चीजें हैं दिखने में तुम बड़े अच्छे हो रूप है योग अवस्था में आ गए बड़े घर की संतान हो यदु कुल के बाल बच्चे आओ संपत्ति की कमी नहीं है द्वारिकाधीश के बच्चे हो। बेटा जीवन में सब करियो एक दो गलती भरने करियो पहली गलती बेटा कभी किसी दीनहीन गरीब को मत सता देना जिसकी दुनिया में कोई सुनने वाला ना हो उसके पास में केवल सुनावे भगवान ही होते हैं और अगर उसने भगवान के यहाँ आंसू डाल दिए तो तुम्हारी पैरियों के कई पैरियों के आंसू गिरेंगे। इसलिए बेटा कभी किसी दीनहीन गरीब के साथ अन्याय मत कर देना बेटा कभी साधु संत भगवान का अपमान मत कर देना बेटा कभी किसी माता बहन का अपराध मत कर देना माता बहन को अपराध नहीं करना।